ठीक है ना, ये हो गया फिक्स कर। मेडिसिन वैक्सीन और ये सब मिला के मैंने 3 रुपया डालता हूँ टोटल है पर बार। और बार पकड़ रहा हूँ अभी कितना हो गया देखिए 93.6 अभी 2 kg है तो पर केजी कितना खर्चा आ गया 129/2 63 64 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
ये आ रहा है इनका किसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आता है, आपका यहाँ पे ज्यादा आएगा थोड़ा, है ना, ये 5 रुपया 7 रुपया तक वैरी करेगा। तो अभी 70 तक आता है इसका, 65 to 70 rupees पर केजी। हाँ, ये जो 65 आया है ना यहाँ पे, इसके बाद आपको 5% मोर्टेलिटी पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपने 1000 मुर्गी डाला है तो उसमें 50 मोर्टेलिटी होता है, ठीक है ना। तो वो ओवर डालना भी नहीं, क्योंकि उसने चिक्स तो खरीदा था, खाना भी खाया होगा वो सब, तो 5% ओवर डालना पड़ेगा। 65 × 100/95 ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 67 तक समथिंग ऐसा आ जाएगा। तो 5% मोर्टेलिटी आपको डालना पड़ेगा, जो कि आपका वो मुर्गी खाना बिना सब खाया बट मर गया, तो सारी खर्चा उसमें ओवरहेड डालना पड़ेगा। तो 5% ओवरहेड आप डालेंगे तो 65 विल बिकम 67 68 तो 68 ही आ जाएगा ना। तो ऐसा, तो आप खुद करने जाएंगे तो 72-73 तक जाएगा। प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, टू दी पॉइंट होता है इसमें कैलकुलेशन। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनका मेडिसिन वगैरह सब खुद का रहता है, तो उनको खर्चा थोड़ा कम रहता है, तो उनका 65-67 में बन जाता है। ये ब्रॉयलर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। खुद का फार्मिंग करने में ज्यादा प्रॉफिट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने में? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अभी तो ब्रॉयलर में 90% कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है। उसमें क्या है आपका, मैं अभी बताता हूँ इसमें खर्चा कितना आया, समझ गया ना। 70 रुपीज पकड़ के चलिए पर केजी। अगर 10,000 बार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना है आपको, 10,000 मुर्गी का आपने फार्म करना है, तो 10,000 के लिए कितना केजी होगा बड़ी वेट, 20,000 केजी, 20,000 × 70 करिए, कितना आ रहा है, कितना कितना गया, 14 लाख कोई 1 लाख बोल रहा है, 14 लाख। ये देखो 1, 2, 3, 4 5-0 हो गया, लाख में लाख हो गया, 14 लाख नॉट 14 लाख 14 लाख है क्या आपके पास? 10,000 ये 20,000 मतलब 10,000 बाढ़ है, 10,000 चिक्स लाके लाने के लिए कितना रुपया लगेगा, 35 रुपया हिसाब से 10 लाख का कितना लाख हो गया, 3.5 लाख का खाली चूजा है, समझ रहे ना, उधर ही बैठ जाएगा। प्रोजेक्ट रन करने के लिए क्या चाहिए, रिकरिंग, ठीक है ना, रिकरिंग मनी चाहिए। अभी आपका प्लस प्लांट है, मशीनरी है, रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए कि नहीं, रॉ मटेरियल पेपर चाहिए, ये चाहिए, अगर प्रिंटिंग चीज है तो आपका बुकलेट बना रहे, पैम्पलेट बना रहे, ये तो उसके लिए पेपर तो चाहिए ना, तो इसीलिए आपका रिकरिंग कॉस्ट इतना ज्यादा है, जो कभी आदमी के पास कभी कभी, इसीलिए ब्रॉयलर इसीलिए 90% क्यों स्विच कर गया, कि आपका रिकरिंग कॉस्ट है 10,000 मुर्गी के लिए 14 लाख चाहिए, पहले प्रोजेक्ट रन करने के लिए, चलाने के लिए 14 लाख आपका अकाउंट में होना चाहिए, 15 लाख तब भी आप 10,000 ब्रॉयलर का फार्म चला सकते हैं, जब आपके पास 15 लाख रिकरिंग मनी आपके पास रोटेशन के लिए चाहिए। एक तो प्लान, सब लोग क्या बेवकूफी करते हैं मालूम है, पूरा पैसा बैंक से लाके अच्छा अच्छा बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं, उसके बाद चूजा लाने के लिए पैसा नहीं है, खाना के लिए पैसा नहीं है, समझ रहे। हाँ, ये 14 लाख कितना आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना था आप देख लीजिए,
प्रोजेक्ट कॉस्ट मैंने इससे पहले बताया था ना, 1,000 के लिए कितना बताया था? 7 लाख 8 लाख 8 लाख 7 8 लाख का बताया था ना। तो 10,000 का पकड़ लीजिए, 10,000 के लिए उतना, उसमें से इतना पैसा आप पहले इधर 20 में बाजू में करके रखिए 20 लाख। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये 14 लाख आपको कुछ जरूरत ही नहीं है। वो फीड चिक्स देगा, फीड देगा, मेडिसिन वैक्सीन सब कुछ देगा, खाली आपसे काम आउटसोर्स करके लेगा। तो आपका क्या रहेगा? लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो रखते हैं ना सर, फिक्स्ड कैपिटल। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका है, जॉब आउटसोर्स कर रहा है वो आपसे। सिंपल बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जो है वो आपसे ब्रॉयलर बना के लेता है। इसमें आप गलत फार्मिंग में मत रहिए, बात सीधी सी है, आपसे लेबर वार करा के वो लेता है आपका जगह पे, आपसे मजदूरी करा के वो लेके जाएगा। उसमें आप सैटिस्फाइड है तो जाओ, सैटिस्फाइड नहीं है तो 14 लाख रख के व्यायाम करो। दोनों बाजू देख लो क्या करना है आपको, है ना, आपको क्या करना है आप देख लीजिए। 14 लाख भी रिक्स पे है, पत्ता खेलने जैसे है। लेबर वाला अगर बीमारी कुछ आ गया, उसमें 20-30 का मर गया, तो इसमें से 10 लाख मिलेगा, 4 लाख गायब भी हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी घाटा आ सकता है। तो साल में आपको एक बैच निकालने के लिए आपको 2 महीना जाता है, 6 महीना आपको 40 दिन तैयारी होता है, 15 दिन साफ सफाई, मतलब आपको 60 डेज पकड़ लीजिए पूरा। तो साल में 6 बैच आपका ब्रॉयलर निकलता है, 6 बैच। तो 6 बैच में अगर ये वाला आपका देखिए 20,000 किलो में ब्रॉयलर वाला वो 6 रुपया 7 रुपया देते हैं, 6 रुपया भी देता है, तो 20,000 किलो के लिए कितना मिलेगा आपको? 1,20,000। 6 बैच आप पकड़ लीजिए साल का, 7,20,000 पक्का मिलेगा। तो लेबर वाला तो अच्छा है ना सर? लेबर वाला सही है और क्या, नहीं अपने जगह पे लेबर बनेंगे तो फायदा करेंगे। ओनर बनना है तो उसके लिए उसका डिस्कशन अलग से करेंगे, ये अभी लेबर बनने का काम बता रहा। लेबर बनना है हमारा जैसे, हम लोग भी नौकर है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, बट हमारा हाथ पांव बंधा हुआ है, इनकम फिक्स है, ठीक है ना। लेबर ओनर में ये अंतर है कि लेबर का इनकम फिक्स रहता है, ओनर का इनकम फिक्स नहीं रहता है। ओनर आप 0 भी कमा सकते हैं, ओनर आपका करोड़ों भी बना सकते हैं, करोड़ों घुस भी सकता है। हाँ, तो उसका जो है लिमिटेशन नहीं है, लेबर का फ्रीडम नहीं है, ओनर का कंप्लीट फ्रीडम है, ठीक है ना। तो दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। इसका कुछ भी नहीं है, इसका लेबर का कोई त्योहार व्यवहार कुछ भी नहीं है, इसका तो हमेशा त्योहार ही रहेगा। किसका? ओनर है ना। लेबर क्या है, आज दिवाली में फिर भी काम करो, है ना, काम तो करना पड़ेगा। हमारा संडे वनडे कुछ नहीं है, ये तो फार्म हमेशा चलते रहता है, ठीक है ना, रोटेशन छुट्टी मिलता है। तो इतना अंतर है, तो आपको लेबर बनना है कि ओनर बनना है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो ब्रॉयलर में इजी है कि बीमारी से जो वैक्सीनेशन वगैरह वो सब दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी जो रिकरिंग कॉस्ट इतना ज्यादा मैंने बताया, पर केजी 70 रुपीज हिसाब से जितना बार्स का हो गया, उतना रिकरिंग खर्चा जरूरत भी नहीं है आपका अकाउंट में, करंट अकाउंट में इतना पैसा आपको नहीं है। तो फिर शेड अच्छा से बांध दीजिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मर से जो कंपनी से टाई अप करो, आपको बस एक मंथली साला राइड है, मतलब सैलरी जैसे आपको मिलेगा। 2 महीना में 1,20,000 है, सपोज महीना का कितना हो गया 60 है, तो उसमें से 20,000 पगार दे दो किसी को, लेबर 2 आदमी रखा है, 10-10, 20,000, 40,000 आपको मिला। अरे बात सिंपल है, ज्यादा नहीं समझने वाली बात तो है नहीं सर। अगर इनकेस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो गुस्सा हो गया, 20,000 का मैंने क्या, मेरे से तो मजदूरी करा रहे हो, है ना, ऐसा गुस्सा हो गया बाद में 2-4 साल करने के बाद, यार मेरे से तो मजदूरी करा रहे हैं, मजदूरी की बात कहाँ आ रहा है। आके मुझे बता रहा था कि सर अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, यार मेरे से मजदूरी करा रहे हैं, पता चला। हाँ, अभी ओनर वाली बात आ गया। अभी हमारा एक कस्टमर है रणनाथ पोल्ट्री बोल के, रणनाथ पोल्ट्री एंड पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म उदयपुर में है। उनका पूरा सिटी में 5 आउटलेट है उदयपुर सिटी में, तो 5 आउटलेट और रहेगा तो आपका 10 है, उसका करीब करीब 30,000 ना 40,000 का ब्रॉयलर फार्म है और 1 लाख का लेयर फार्म है, ठीक है ना, और 5 आउटलेट सफिशियंट है। तो उनको मार्केट में आप 70 रुपीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अभी लाइव वेट कितना बिकता है, 110 रुपया 120 रुपया ऐसे चल रहे हैं, ठीक है ना, 50 रुपया मार्जिन है, ठीक है।
तो 50 आउटलेट है तो फायदा है तो नहीं है। हाँ तो उनका 5 आउटलेट है, दुकान में भी आदमी रखा हुआ है, फार्म में भी आदमी है उसके पास। अभी आप एक खुद का गुजर के लिए आप खुद ही लेबर बन के एक ही आदमी को, बट आप ओनर बनेंगे तो आप 20 आदमी को एम्प्लॉयमेंट खुद देंगे। उनका फार्म देखिए 40,000 का ब्रॉयलर फार्म है, 1,00,000 का लेयर फार्म है, 5 आउटलेट, एक आउटलेट में तो दो तीन आदमी ऐसे रहेंगे, ठीक है ना, तो करीब करीब 10-20 आदमी को एम्प्लॉयमेंट खुद दिया है। 1,00,000 बर्ड है वो ओपन करेंगे। हाँ रिस्क भी होता है ना सर, ओपन नहीं होता, 1,00,000 नहीं नहीं केज कैलिफोर्निया, और ब्रॉयलर तो डिक्लेटर सिस्टम है और कैलिफोर्निया सिस्टम में इसी शेड है, इसी अभी उन्होंने हाँ पूरा इसी कर दिया, तो इसी तो आपका एग्जिस्टिंग शेड में आपका वो पर्दा हटा, जाली हटा के बस वो लगाना है उसमें, और क्या एग्जिस्टिंग शेड में आप इसी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसने अभी मतलब आपका मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया देखिए, उसमें आप शेयर करो 70 रुपीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, 110 रुपया, 50 रुपीज उसमें से 50-50 कर दो, 50 रुपीज आपका एम्प्लॉय को चला गया, बाकी आप 50-25 रुपया आपको मिल गया, तो उसमें कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है देख लीजिए, ठीक है ना, ये भी सोचने वाली बात है। हाँ यहाँ पे क्या आता है, ओनर्स, ओनर होने से उसका टर्म है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप हर आदमी नहीं हो सकते। ऑडियो जंगल Jungle.